जी अंकल, कैमरा है अंकल, कैमरा है। पीपल दिस इज दिव सिंह एंड वेलकम बैक टू इंडियन एयरपोर्ट। रिकॉर्डिंग हो रही ना? यप। सो मानसून का मौसम, बट मानसून के आसार कुछ दिखाई दे नहीं रहे। काफ़ी कम बारिश हुई है यहाँ फिलहाल लखनऊ में। सो अभी मैं निकला हूँ, एक दो छोटे मोटे काम है एंड बाइक का पॉल्यूशन भी ख़त्म हो गया, तो बाइक का पॉल्यूशन भी करवाना है। स्वीट, काफ़ी अच्छी मॉडिफाइड होंडा अकॉर्ड है, अच्छी लग रही है। एनीवेज कुछ भी ब्लैक होता है मुझे अपने आप ही ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है। तो जहाँ तक कि मैं कह रहा था कि आज का जो वीडियो है वो बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ है जो आज मैंने फिगर आउट करी है एंड वो काफ़ी अच्छे से काम भी कर रही है। सो आप जैसे कि देख सकते हो, मेरा जो ये माउंट है, मोबाइल फ़ोन माउंट, ये मेरे हैंडल के बीचों बीच में फिक्स हुआ है। अब ये कैसे फिक्स हुआ है वो मैं आप लोग को अभी दिखा देता हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, वो जैसे का तैसा मैंने उठा के बस यहाँ पे फिक्स कर दिया है। आप देख सकते हो पहले यहाँ पे लगा हुआ था, एंड जो भी R15 ओनर्स हैं उनको पता ही है कि हैंडल पे कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती है R15 के कि आप उसमें कुछ भी माउंट कर सको। इनफैक्ट आप देख सकते हो हैज़ार्ड मॉड्यूल का जो स्विच था वो भी मुझे नीचे की तरफ लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कहीं लग नहीं रहा था, स्पेस ही नहीं थी उतनी। तो पहले मेरा जो माउंट था वो यहाँ पे लगा हुआ था, बट अब मैंने यहाँ से निकाल के उसको बीच में फिक्स कर दिया है। ये कैसे किया है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ बीचों बीच में फिक्स है, मैंने किया कुछ नहीं है, ये जो क्लैम्प था उसको मैंने यहाँ से निकाल के अनस्क्रू करके बस यहाँ पर टाइट कर दिया है। मेरा पूरा माउंट भी काम कर रहा है अच्छे से सारे डायरेक्शंस में, एंड ये अच्छा खासा स्टर्डी फिट भी है। सो करना आपको कुछ नहीं है, बस यहाँ से अनस्क्रू करना है एंड उसके बाद यहाँ से निकाल के आपको बस ये जो आउच ये नहीं करना है। एनीवेज सो ये माउंट मैंने यहाँ से निकाल लिया, ये पहले ऐसे कुछ लगा रहता था जो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता था, देखने में भी खरा अजीब सा लगता था थोड़ा। एंड यहाँ पे अगर फ़ोन आपका बड़ा है या सो जैसा कि मैं कह रहा था कि फ़ोन अगर आपका बड़ा है, लाइक मेरा फ़ोन 6.5 इंच से थोड़ा सा बड़ा है, सो वो अगर मैं यहाँ पे क्लैम्प करता हूँ तो फ़ोन लड़ जाता था यहाँ पे। सो मैंने बस इसको यहाँ से निकाल दिया है एंड निकाल के ये जो आपका नट दे रखा है इस पर मैंने ऐसे फिक्स करके अच्छी तरीके से बस टाइट आप इसको कर दो एंड दे यू गो, ये आपका माउंट यहाँ पे बढ़िया से लग भी गया है। बस मेक श्योर कि आप इसको ठीक से कर दो एंड अगर आपका ये जो क्लैंप है ये मेटल का है तो वेल एंड गुड, बट अगर प्लास्टिक का है तो थोड़े से इशू आपको हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रिप काफ़ी अच्छी चाहिए, सो प्लास्टिक का माउंट टूट सकता है। मेरा वाला मेटल का है सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है,
तो मेरी ग्रिप भी अच्छे से काम कर रही है, सारे मूवमेंट्स भी हो रहे हैं। एंड मैं यहाँ फ़ोन लगा के भी देख लेता हूँ एक बार। सो आप देख सकते हो मेरा फ़ोन काफ़ी बड़ा है तो प्रॉब्लम कर देता है कभी कभी। या वेल एंड गुड। सो एक ये सिंपल सी टेक्निक है जो आप लोग अपनी R15 में ट्राई कर सकते हो, जो लोग अपने R15 में माउंट करना चाहते हैं अपना फ़ोन, या ऐसा कोई एक माउंट फिक्स करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए ये एक आइडल पोजीशन हो सकती है। सो यही था जो मुझे आप लोग को इस वीडियो में बताना था। अब जल्दी से बचा कुचा काम भी ख़त्म कर लेते हैं। क्या ये पेट्रोल पंप बंद है? क्या ये पेट्रोल पंप बंद है? हाँ ये पेट्रोल पंप बंद है। मैं देखता हूँ पोल्यूशन अगर हो जाता है तो। भैया पोल्यूशन हो जाएगा क्या? पोल्यूशन हो जाएगा? आई थिंक एस्थेटिकली भी देखा जाए तो देखने में ठीक लगता है, क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी अब्रप्ट लगता था। यार कहाँ से लग गया ये? जी अंकल कैमरा है, अंकल कैमरा है। हाँ अंकल जहाँ भी जाते लगाना ज़रूरी हो गया थोड़ा। अरे नहीं अपनी सेफ्टी भी रहती है, प्लस घूमने फिरने भी जाते हैं तो उसका रिकॉर्ड हो जाता है। ऑनलाइन लिया था अंकल? थैंक यू भैया। भैंस की अगर आप लोग को ये वाली ट्रिक अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, क्योंकि काफ़ी R&D लगा है इस पर, तब जाके ये फीचर इन्वेंट हुआ है। सो एनीवेज अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब कर लो। एंड आई थिंक इस व्लॉग में कुछ ऐसा अब खास रह नहीं गया है, क्योंकि बस एक दो काम मुझे निपटाने, सो निपटा के मैं सीधा घर निकल लूँगा। सो एनीवेज टिल देन राइट सेफ, दिस इज़ द बिसिंग फ्रॉम इंडियन एस वॉल, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।